दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शेरड़ी में। क्या खूबसूरत सी पंक्ति है जो हमसर हयात जी ने लिखी है। सच में हमारी दीवानगी ही है जो हमें बाबा की लीलाओं से अवगत कराती है। ऐसे ही कुछ 4-5 साल पहले की बात है, जो मेरे साथ बाबा की एक लीला, खूबसूरत सी लीला हुई थी। मैं हर साल शिरडी जाती हूँ। एक साल के बाद जो बाबा से मिलने की उदासी होती है, साईं से मिलने की एक्साइटमेंट, क्रेजीनेस होती है, वो अलग सी होती है। मेरा भी मन करता है कि मैं हर 2 महीने बाद शिरडी पहुँच जाऊँ। लेकिन जो मुझे लगता है कि मैं बाबा से यही कहती हूँ कि जिन लोगों को बाबा आपने एक बार भी नहीं बुलाया है, आप उन लोगों को बुला लीजिए मेरी जगह। अगर आप मुझे हर मन शिरडी बुलाना चाहते हो, जिन लोगों की शिरडी जाने की तमन्ना तमन्ना ही रह गई है उनके मन में, उन्हें बुला लीजिए बाबा मेरी जगह। मेरे लिए तो 1-2 बार ही बहुत है बाबा शिरडी आना, क्योंकि साईं की यादों में रहने का मज़ा भी एक अलग सा होता है। इतने टाइम बाद मिलने का मज़ा बाबा से बहुत ही अलग होता है, बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है। और मैं चाहती हूँ बाबा सभी को अपने दर्शन दें, सभी को शिरडी जाने का सौभाग्य दें। तो चलिए, मैं अपना एक खूबसूरत सा एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, यानी कि अनुभव शेयर करना चाह रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत सी लीला है, आप सब भी हैरान हो जाओगे सुनकर। ध्यान से सुनिएगा पूरी वीडियो को। सच में शिरडी के तो कण कण में ही बाबा का वास है। साईं हमारे रोम रोम में है। हुआ यूँ था कि 5-6 दिन का हमारा स्टे था शिरडी में। 4-5 साल पहले की बात है ये। बाय ट्रेन हम शिरडी पहुँचे थे। हम रात में ही शिरडी पहुँच गए थे। डिनर के बाद हम सीधा काकड़ आरती की लाइन में लग गए थे। अक्टूबर का मंथ था। मैं हमेशा अपने बर्थडे के आसपास ही शिरडी जाती हूँ। बड़ी भीड़ थी वहाँ पर, शायद रामनवमी या दिवाली का उत्सव था, तो काफ़ी रश था और काफ़ी लंबी कतार थी। और हम थके भी हुए थे, लेकिन हम लाइन में लग गए क्योंकि हम नई दिल्ली से 1.5 दिन का बाय ट्रेन सफ़र करके आए थे शिरडी में। और लेकिन बाबा से मिलने की एक्साइटमेंट ही हमें अलग ही थी। हमने रेस्ट भी नहीं किया, लेकिन हम काकड़ आरती के लिए लग गए। फुल जोश के साथ थे हम। भक्तों के जयकारों से पूरा वातावरण साईमय हो गया था। इतनी अद्भुत फीलिंग हो रही थी, हमें भी खूब जोश था, हमें भी जयकारे लगा रहे थे हम भी। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, एक अलग सी खुशी हो रही थी हमें, जो कि शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, आप सभी को मालूम है। अब हम समाधि मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। काकड़ आरती का टाइम भी हो गया था। मुझे घबराहट सी हो रही थी कि कहीं लाइन जो है वो रोक ना दें गार्ड्स, फिर हमें वेट करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सौभाग्यवश हमें भी उन्होंने अंदर बुला लिया। जैसे ही हम अंदर आ गए समाधि मंदिर में, उन्होंने गार्ड्स ने लाइन जो है वो बंद कर दी दर्शन के लिए। और लकीली हमने बिल्कुल बाबा की प्रतिमा के आगे जगह मिली। हमें गार्ड्स ने बाबा की बिल्कुल सामने वाली सीट पर सामने जगह देकर बिठा दिया गया। इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस था ना वो। उसके बाद काकड़ आरती स्टार्ट हुई। काकड़ आरती के बाद बाबा को मंगल स्नान कराया गया। फिर बाबा को सुंदर वस्त्र पहनाए गए, बाबा को रेडी किया गया। बाबा इतने मनमोहक लग रहे थे, मैं बाबा की प्रतिमा को निहारे जा रही थी। मैंने क्या देखा कि बाबा की जो प्रतिमा है वो हवा में उड़ रही है, क्योंकि भीड़ की वजह से मुझे बाबा ठीक से नहीं दिख पा रहे थे। मैं अपनी जगह पर बैठे बैठे उठ उठ के उन्हें देख रही थी, लेकिन थोड़ा सा मैं उठती तो मुझे लेडी गार्ड जो थी वहाँ पर वो मुझे बिठा देती थी, तो मैं उन्हें बाबा के अच्छे से दर्शन नहीं कर पा रही थी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मैं क्या देखती हूँ कि मेरे बाबा, मेरे साईं अपने आप अपने आसन से उठकर मुझे दर्शन दे रहे हैं। हल्का हल्का सा धुआं उठ रहा था और बाबा मुझे फिर साफ साफ दिखाई देने लगे। मैंने अपनी बेटी से भी पूछा कि क्या आपको भी ऐसा लग रहा है। उसने कहा, नहीं मम्मा, मेरे को नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ भी। वो दर्शन साईं के पाकर मेरा जीवन सच में धन्य हो गया था। ये बाबा की अद्भुत लीला ही थी। उसी वर्ष एक लीला बाबा की मेरे साथ और हुई थी, जो कि मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी, आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आपने भी बाबा की कुछ ऐसी ही लीलाओं का अनुभव किया है अपने साथ शिरडी में जाकर, तो आप भी हमारे इस चैनल पर शेयर कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी साई तेरे नाम चैनल ही है। आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। हमें साई की एक होकर भक्ति करनी चाहिए। साई की भक्ति करनी है हम सबको। हमें कोई कंपटीशन नहीं करना। हम किसी कंपटीशन में नहीं हैं। हम सभी एक जैसा ही काम कर रहे हैं। हम बाबा की भक्ति कर रहे हैं।
इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सभी के चैनल्स को सपोर्ट करिए और बाबा की भक्ति करते रहिए, बाबा की लीलाओं का गुणगान करते रहिए, बाबा सबकी रक्षा करें और सब पर अपनी यूं ही कृपा करते रहें। ओम साई राम, जय साई राम।